हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। डेली के तरह हम ऐसे ही थ्री क्वेश्चंस देखते रहेंगे। थ्री क्वेश्चंस थ्री टाइप्स का होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी को भी दो वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, आज और कल, डेली के तरह ऐसे ही 10 PM। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन। अ बैट कंटेन्स 6 red, 5 black and 4 white balls। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैट, ठीक है, फ्रॉम द बैट एट रैंडम। Find the probability that the drawn ball is red or white. तो बॉल जो है वो रेड हो या व्हाइट हो, ये हमें पता करना है। इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा ये बताना है। तो देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना है, 6 + 5 + 4, ठीक है, तो 15, ठीक है। देखेंगे बॉल्स रेड और व्हाइट, रेड और व्हाइट पूछा गया है, रेड और व्हाइट वो कितना है, ठीक है। नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स रेड और व्हाइट, नंबर ऑफ बॉल्स रेड और व्हाइट कितना है भाई, रेड है 6 और व्हाइट है 4। तो रेड और व्हाइट बॉल टोटल हो गया अपना 10। तो लिखेंगे पी ऑफ रेड और व्हाइट बॉल्स, रेड और व्हाइट बॉल कितना होगा, 10/15 फेवर बाय टोटल। तो ये हो गया अपना 2/3। तो प्रोबेबिलिटी इसका कितना हो गया, 2/3। अभी आते इधर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 1, 2, 3 up to 35, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज 35, इट इज प्राइम, ठीक है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्राइम, तो 1 से लेके 35 तक जाना है नंबर्स है, इनमें से हम एक नंबर चूज करेंगे वो प्राइम होगा। तो पहले तो लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स 35। प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, प्राइम नंबर का थोड़ा सेट देख लेते हैं हम लोग। प्राइम नंबर्स जो है वो जो है, इसको हम लोग सैंपल स्पेस भी बोलते हैं, जहां पे हम सारा एलिमेंट्स लिखते हैं। तो वो कौन सा है वो देख लेते हैं। तो पहला प्राइम नंबर कौन सा है, 1 नहीं होता है प्राइम नंबर, ये बहुत लोगों के दिमाग में मिथ है, 1 प्राइम नहीं होता है, ये दिमाग में रखना। तो पहला हो गया 2, फिर हुआ 3, फिर 5, 7, 11, 13, उसके बाद 17, 19, 23 हो गया प्राइम, 29 हो गया प्राइम, 31 हो गया प्राइम, ठीक है। ये सारा नंबर जो है वो प्राइम हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है ना, कितने प्राइम नंबर्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11, 11 प्राइम नंबर्स है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का ये जो नंबर आएगा वो प्राइम होगा, इससे क्या प्रोबेबिलिटी होगा, फेवर में कितना है 11, टोटल कितना है 35, हो गया ये आंसर। So, अब ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मंथ ऑफ जनवरी मे हैव 5 वेंसडेज इन अ लीप ईयर या इन अ नॉन लीप ईयर। देखो जनवरी को ना घंटा फर्क नहीं पड़ता कि ये लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है, क्योंकि जनवरी में तो 31 डे होने वाला है। अगर यही आपको बोल देता कि पूरा ईयर में कुछ बात होता या फेब्रवरी का होता तो उसमें एक एक्स्ट्रा डे होता है, वहां चेंज होता है, या फिर पूरा ईयर का बोलता है तो उसमें एक एक्स्ट्रा डे होता है। जनवरी में कोई एक्स्ट्रा डे हो नहीं रहा है, अपने पास 5 वेडनेसडे का क्या प्रोबेबिलिटी होना है वो निकालना है। जनवरी में 31 डेज है, ठीक है, तो इन जनवरी देयर आर 31 डेज, ठीक है ना, 31 डेज है जनवरी में, 28 डेज means कितना, 4 weeks, 4
वीक्स तो बना दिया 28 डेज, इसके बाद बचा हुआ 3 डेज में से ही हमको देखना है. सो वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वेंसडे. ठीक है, यही ना, इसका ही लेना है ना, आउट ऑफ रिमेनिंग 3 डेज. यही बचा हुआ 3 दिन में से अपने को सोच लेना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है वेडनेसडे आने का. तो अब समझो 3 रिमेनिंग डेज में भी संडे मंडे ट्यूसडे, ये हो सकता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ऐसा हो सकता है ना, या फिर वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, या फिर हो सकता है सैटरडे संडे एंड मंडे. तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है, टोटल तो 7 है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 7 होना चाहिए टोटल. कहां से शुरू होता है, अच्छा सैटरडे से शुरू भी करना था, वो भी हुआ है, अच्छा फ्राइडे से शुरू नहीं हुआ है, तो एक तो यहां पे फ्राइडे से शुरू होना था, तो फ्राइडे से होगा टोटल, हमेशा वीक वाला चीज में 7 होगा, तो फ्राइडे से शुरू होगा, तो फ्राइडे सैटरडे संडे. नाउ सैटरडे संडे एंड मंडे, सैटरडे संडे एंड मंडे, ये ऐसा 7 हो सकता है. इसमें से आपको सोचना है कि वेडनेसडे कितना केसेस में आ रहा है, 3 ना, तो यहां हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 वेडनेसडेज इज इक्वल टू कितना, 3/7. तो ये हो गया आज का 3 टाइप का क्वेश्चन, नॉन लीप ईयर में भी दिख दो गया कि लीप ईयर से कोई मतलब है नहीं, तो ये वही हो जाएगा आंसर. ठीक है, तो आपका आज का 3 क्वेश्चन का टाइप कवर हो गया है. कल फिर मिलेंगे प्रोबेबिलिटी के 3 नए क्वेश्चंस के साथ, 3 नए टाइप्स के साथ. तो आज वीडियो अच्छा लग रहा ना, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो. चलो आज के लिए थैंक यू.